हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर काफ़ी हम इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। यहाँ पे आज हम जो है महिलाओं के प्रोडक्ट को जो है अनबॉक्स एंड रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो है महिलाओं के जो है अनवांटेड बाल होते हैं बगल के अंदर, उसको निकालने के लिए स्पेसिफिक ट्रिमर है और ऑलमोस्ट जो है इससे काफ़ी जो है मतलब तकलीफ कम होती है। जो हम जो उसमें पट्टे लगाते हैं ना, वैक्स वैक्स करते हैं, उसके कंपेयर में इसमें जो है काफ़ी इजी रहता है। और शेविंग जो करते हैं उससे जितने बाल मतलब मोटे हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, उससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है ना एक्चुअल में हमने ऑस्ट्रेलिया से जो है मंगवाई थी, बट इसका जो है इंडियन वर्जन भी अवेलेबल है। तो उसकी जो है बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो इसकी कीमत जो है 60 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, तो अप्रोक्सीमेटली जो है 4000 के आसपास, आई थिंक 4 से 4000 के आसपास इसका कॉस्टिंग होगा। तो बहुत ही सिंपल सा एक मतलब प्रोडक्ट है और इसके अंदर जो आई थिंक वायरलेस वर्जन भी आता है जो कि उससे भी महंगा रहता है। और यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा ही देता हूँ मोबाइल के अंदर, थोड़ा सा आपको आइडिया लगे। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलने वाला जो है इस तरीके का ये है, और इसकी प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, मायर करके है वहाँ पर मिलता है ये। और यहाँ पर ये जो है इंडिया के अंदर मिलने वाला है, तो ये जो है कोर्डलेस है, वो ये वाला जो है मतलब आपको पावर प्लग के अंदर लगा के जो है यूज़ करना है। तो इसकी जो है कीमत है आप देख सकते हैं 9400 रुपये है, क्योंकि रेमिंगटन कंपनी है ना, बहुत ही मतलब ब्रांडेड कंपनी है, बहुत ही इसके बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आते हैं। और इसके पहले भी हमने एक आध वीडियो इसका भी बनाया था, हेयर ड्रायर और ये उसकी किट थी पूरी की पूरी, और काफ़ी जो है लोगों ने पसंद भी किया था वो वीडियो को, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल सा इसका फंडा है, अलग अलग स्पीड है इसके अंदर, और आप जो है बगल के जो बाल होते हैं ना अनवांटेड बाल, उसको आराम से निकाल सकते हैं। आई थिंक मैन होते हैं वो भी इसको शायद यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो इसको जो है आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं, इसके अंदर जो है बाल फंस जाए उसको। तो ये आई थिंक बाल को काटने की जगह बाल को जो है खींचने का शायद काम करता ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो इसको जो है हम खोल लेते हैं, ओके। काफ़ी लंबा वायर है, क्योंकि वायर तो लंबा होना ही चाहिए, कि अगर आपके बाथरूम में पावर प्लग नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। और इसको जो है शायद हम निकाल भी सकते हैं ये वाली ब्लेड को इस तरीके से साफ़ करने के लिए। इसके पीछे जो है इसको हम लगा देते हैं, वाओ काफ़ी फास्ट है। तो दो स्पीड है इसके अंदर, ये सबसे ज़्यादा, इससे कम ये बंद। तो यहाँ पे मेरे बाल है उसको हम ट्राई करते हैं, कितना पेन होता है मैं आपको फिर बताता हूँ। चलो मीडियम स्पीड क्या करते हैं, वाह। तो दोस्तों इसका जो काम है ना ये एक्चुअल में यहाँ पे जो है बाल को खींचने का काम करता है, और उसको बाद में जो है मतलब थोड़ा सा जड़ों से इसको निकालने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा पेन तो इसमें होगा आपको, बट आपकी स्किन जो है उसको इतना नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके का यहाँ पे ढांचा ही है कि इसके अंदर बाल जो है फंस जाएगा ना, तो ये जो एकदम से खींच के निकल जाएगा, जिससे कि आप देख सकते हैं जो ट्रिमर होता है उसके कंपेयर में यहाँ पे एक्चुअल में इसने जड़ से सभी बालों को निकाल दिया है। तो ये काटता नहीं है, ये खींच लेता है। यहाँ पर एक बाल है जैसा मेरा, ओके, यहाँ पर भी हम ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा मुझे पेन होता है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो लड़कियों को कितना पेन होता होगा। चलिए तो ये एक्चुअल में खींचने का काम कर रहा है, तो अगर आपको ये सब दर्द सहने की क्षमता नहीं है तो आपके लिए ये चीज़ नहीं है। तो आप फिर ट्रिमर का यूज़ कर सकते हैं जो कि जड़ों से बालों को नहीं निकालता है, बालों को जो है काटता है। तो फिर इसको जो है आप साफ़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आप नीचे भी देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो काफ़ी जो है बाल निकल चुके हैं।
यहाँ पे नीचे दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरीके से जो है इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है और महिलाओं के लिए जो है खास करके बगल के जो बाल होते हैं ना, आर्मपिट के बाल, उसको निकालना बहुत बड़ा झंझट होता है। और जो हम क्या बोलते हैं वैक्स करते हैं ना, उसमें तो ख़राब भी होता है, चिकनापन जो है होता है। और उसके कंपेयर में मुझे लग रहा है कि डेली लाइफ में मतलब वीकली इसको एक बार डाल दिया, मतलब घुमा दिया तो बाल निकल गए, एकदम क्लीन हो गया, तो उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें और इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चाहे तो इसको ख़रीद सकते हैं। और रेमिंगटन बहुत ही वेल नोन कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स बहुत ही बढ़िया आती है, तो इसको आप ज़रूर से देखें एक बार। और उसके अलावा जो है आप अपने रिकमेंडेशन भी मतलब कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, अगर आपने इस तरीके के अलग अलग प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है तो। सबसे बढ़िया जो है महिलाओं के मैं रिस्पॉन्स चाहता हूँ कि भाई सबसे बढ़िया प्रोडक्ट कौन सा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपके अनुभव से ही जो है लोग जो है अपने लिए प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं। एक तो जो है वैक्स होता है, एक इस तरीके का ट्रिमर होता है, और दूसरा जो होता है नॉर्मल ट्रिमर होता है जो कि बाल काटता है। उसके अलावा जो है कुछ लोग शेव करते हैं, वो तो करना ही नहीं चाहिए, मतलब मैं भी आपको नहीं रिकमेंड करूँगा। तो कौन सा सही रहता है, क्या होता है, ये सब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपने लेज़र ट्रीटमेंट करवाया है तो उसका भी अनुभव आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पे आज के वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ, हैव अ नाइस डे।